एंड इट इज कम्पोज बाय इंग्लिश प्ले राइट कॉली सिबर एंड इन दिस पोयम मैं आपको पहले इसका थीम बता देती हूँ इट टेल्स अबाउट द फीलिंग ऑफ अ ब्लाइंड बॉय अ ब्लाइंड बॉय वो बॉय होता है जो ब्लाइंड होता है उसके पास हु इज अनेबल टू सी हु डजेंट हैव विजन ठीक है तो वो बोलता है ओ से वॉट इज दैट थिंग कॉर लाइट अरे मैंने सुना है अरे बताओ वो क्या चीज़ है जिसे लाइट कहते हैं बिकॉज येज़ नेवर सीन लाइट तो वो कहता है अरे बताओ ये वो चीज़ क्या है जिसे लाइट कहते हैं विच आर मस्ट नेवर इन्जॉय जो मैंने कभी इंजॉय नहीं करी है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है तो वो वो लोगों से कहता है कि टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइट टू हिम वट आर द ब्लैसिंग्स ऑफ द साइट मतलब ब्लैसिंग्स होती हैं आपको क्या वरदान मिला है नज़ारों का मतलब आप जो ये दुनिया भर की चीज़ें देख पाते हो वो सब क्या है वो वरदान क्या है आपको क्या ब्लेसिंग है आपके पास कि आप नज़ारे देख पाते हो वो टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय अपने इस बेचारे पुअर यहाँ पे गरीब नहीं है ये बेचारा है बेचारे इस ब्लाइंड बॉय को बताओ तो वो ही अपील्स टू द पीपल कि मुझे बताओ कि ये लाइट क्या होती है जो मैंने कभी नहीं देखी और दुनिया भर की चीज़ें जो आप देख पाते हो उस नज़ारों की ब्लेसिंग क्या है इस बेचारे पुअर ब्लाइंड बॉय को बताओ उसने नहीं देखा ये सब क्योंकि उसने कभी लाइफ एंजॉय ही नहीं करी आइज़ के थ्रू बाकी उसने अपने स्टाइल से इन्जॉय करी है यू टॉक ऑफ वंडर्स थैंक यू सी वंडर्स होता है वंडरफुल ब्यूटीफुल नाइस वो कहता है आपने बहुत दुनिया भर की चीज़ें देखी हैं यू से द सनशाइज ब्राइट और आप लोग ये भी कहते हो आ, कि सन जो है वो ब्राइटली चमकता है आई फील हिम वाम बट हाउ कैन बट हाउ कैन ही और मेक it डे और नाइट वो कह रहा है मैंने उसकी गर्माहट तो देखी है मैंने इसे उसको फील किया है लेकिन मैंने उसे देखा नहीं है पर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि सन जो है सनशाइन्स ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है हमारी मैम भी क्लास में लिखवा देती हैं तो और मेक it डे और नाइट और उससे ही दिन और रात बनते हैं लेकिन मैंने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है तो कहना है कह रहे सुना तो है लोगों को कहते हुए आप लोग बात करते हो कि बहुत बढ़िया चीज़ें हैं या आप कभी कोई चीज़ लाते हो मार्केट से बोलते हो ना कि यार कितनी अच्छी चीज़ लाया हूँ या अपने दोस्तों को बताते हो कल मैं बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ लाया हूँ या ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है वो देखो वहाँ पर कितना अच्छा सीन है इस तरीके की बातें आप लोग करते हो यूज़ और आप लोग ये भी कहते हो कि सन जो उसने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में कि शाइन्स ब्राइट उसे यही नहीं पता कि सन क्या होता है और वो कैसे शाइन करता है ब्राइटली आई फील मैंने सिर्फ फ़ील किया है आई यहाँ पे बच्चा कह रहा है ब्लाइंड बॉय कह रहा है आई फील हिम वाम वाम माने गरम। मैंने उसे महसूस किया है कि गरम। तो उसने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे सुबह वो कम गरम होता है दोपहर वो ज़्यादा गरम होता है और ट्वेल्व ओ क्लाक तक वो मैक्सिमम गरम होकर दोपहर भर गर्मी रखता है तो उसने फील किया है बट हाउ कैन ही लेकिन उसे नहीं पता ये सब कैसे होता है और मेक इट डे और नाइट कि वो दिन और रात कैसे होती हैं कब सुबह होती कब शाम होती है रात होती है वो उसे नहीं पता बच्चे को माई माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक पोइट्रिक लैंग्वेज है तो वो बोल रहा है मेरे दिन और रात मैं खुद बनाता हूँ क्यों खुद कैसे आता है क्या ये भगवान है नहीं एक्चुअली क्या है उसको दिखता नहीं है तो वो कह रहा है मैं कभी भी सो जाता हूँ और कभी भी उठ जाता हूँ जब मैं सो जाता हूँ तो वो मेरे लिए नाइट होती है और जब मैं उठ जाता हूँ तो वो मेरे लिए डे होता है वन एवर आई स्लीप और प्ले जब मैं सोता हूँ तो वो मेरे लिए रात है और जब मैं प्ले करता हूँ तो वो मेरे लिए दिन है एंड कुड आई एवर कीप अवे और जब तक मैं जगा रहता हूँ विद मी विद मी इट वॉज ऑलवेज डे और जब तक मैं जगा रहता हूँ वो तो मेरे लिए दिन है तो इस इस लाइन इस स्टेंजा में वो ये बता रहा है कि मैं अपने दिन और रात खुद बनाता हूँ मतलब मैं सन के अकॉर्डिंग डे नाइट के अकॉर्डिंग नहीं रहता उसको पता है कि उसके पास विजन नहीं है तो वो कह रहा है कि मैं कभी भी सो जाता हूँ और मैं कभी भी उठ जाता हूँ मैं अपने दिन और रात खुद बनाता हूँ और कब जब मैं सोता हूँ तो मेरे लिए वो रात है और जब मैं जग जाता हूँ तो मेरे लिए वो दिन है एंड लेट नाट नेक्स्ट स्टेंस पे आते हैं एंड लेट नाट वॉट आई कैन नॉट हैव अरे छोड़ो ना जो चीज़ मेरे पास नहीं है माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय वो मेरे मन की शांति मेरी खुशी डिस्ट्रॉय ना करें मतलब जो चीज़ क्या चीज़ नहीं है उसके पास उसके पास आइज नहीं है उसके पास विजन नहीं है तो कह रहा जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे छोड़ो ना लेट नाट उसको परेशान मत करने दो मेरे माइंड की शांति को मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं उसे बर्बाद मत करने दो ये सोच सोच के कि मैं देख नहीं पा रहा वायल वायल्स्ट दस आई सिंग आई एम अ किंग और जब मैं गाता हूँ तो मैं अपने आप को एक किंग राजा की तरह समझता हूँ मतलब वो कह रहा है चाहे मेरे पास किस चीज़ की कमी है लेकिन मैं उस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता कि भाई मेरे पास तो विजन ही नहीं है मैं गाता हूँ और जब मैं गाता हूँ मैं अपने आप को एक राजा से कम नहीं समझता ऑल दो अ पुअर ब्लाइंड बॉय जबकि मैं एक बेचारा ब्लाइंड बॉय हूँ तो आप इस बच्चे का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस देखो कितनी बढ़िया बात ये कह रहा है कह रहा है कि मेरी कमज़ोरी को मैं अपने ऊपर हावी नहीं देने होना चाहता मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कंटेंटेड फील करता हूँ और जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहता हूँ और मैं अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता किसी मजबूर नहीं समझता कि आप मुझ पर दया करो लेकिन भले ही मैं एक बेचारा ब्लाइंड बॉय हूँ ठीक है तो दिस पोइम गिव्स अस द मैसेज दैट वी शुड बी हैप्पी हमें खुश होना चाहिए खुश रहना चाहिए इसके फेस से ही देखो ही सीम्स टू बी स्मार्ट गॉगल लगा रखे हैं भाई साहब उसने किसी को आंखें ही ना देखें कि ब्लाइंड है ठीक है तो ही द गिव्स अस द मैसेज टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन वॉट एवर वी हैव वी शुड नॉट रिपेंट ऑन द थिंग्स विच गॉड हैज़ नॉट गिवेन अस आपके पास जिसकी कमी नहीं है आप तो उस खिलौने के लिए उस टॉय के लिए शोर मचा देते हो कि उसके पास पी एस फाइव है ये है वो है उसके पास एप्पल का ये वाला फोन है ये है वो है तो आप उसके लिए धुंदक काट देते हो लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आई एम सेटिस्फाइड एंड आई फील माई सेल्प टू बी किंग चलो इसके राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं लाइट साइट इंजॉय बॉय सी ही ब्राइट साइट नाइट सॉरी ठीक है मेक अवेक प्ले डे हैव नहीं हैव का को कोई नहीं है सॉरी हैव हटा दो हैव को हटाना पड़ेगा डिस्ट्रॉय बॉय ठीक है हो गए चलिए अब बात करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइजेज की समरी मैंने भेज दी है नेक्स्ट वीडियो में बुक एक्सरसाइजेज क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करने वाली हूँ ठीक है मिलते हैं बाय